हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अंडा दम बिरयानी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए घी, अंडा, खड़ा मसाला, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये मेरा होममेड मसाला, और उसके साथ ही दही। और इसके साथ ही हमें चाहिए चावल, जो कि पहले से ही मैंने धो के रखा है। ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया था तो हमारा बर्तन भी गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। हाँ जी, हमारा घी अच्छी तरीके से गल चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें तेजपत्ता, खड़ी इलायची, बड़ी इलायची, इलायची, लौंग, दालचीनी और ये गया जावित्री। और अब हम डालेंगे इसमें चावल और फिर धीरे धीरे चलाएंगे ताकि चावल का दाना टूटे भी ना और अच्छी तरीके से भुज भी जाए। फिर हल्का सिम पे हमें चावल को फ्राई करना है। जी, चावल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। उसका पहचान ये है कि ये देखिए चावल में कितनी अच्छी तरीके से चमक आ रहा है। थोड़ा सा नमक, फिर थोड़ी देर चलाएंगे धीरे धीरे। 5 से 7 मिनट हमने मीडियम सिम कर करके अच्छी तरीके से चावल जो है फ्राई कर लिए। पानी, और ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और हीट भी मीडियम कर दिया। अब हम इसे बनने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा चावल हो चुका है। अब बस हम गैस बंद कर देंगे और चावल को ढक के छोड़ देंगे। इस तरह से कवर कर देना है लीड से, इसके बाद छोड़ देना है, गैस बंद कर देना है। ये तेल गर्म हो चुका है तो अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ही हल्दी, और उसके बाद बारीक कटा हुआ 3 प्याज। ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है तो अब हम डालेंगे हल्दी। ज्यादा हल्दी नहीं डालना है। धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और ये होममेड मसाला। अब मसाला को थोड़ी देर हम भुजेंगे मीडियम आंच पे, मीडियम हीट पे। मैंने 2 से 3 मिनट मसाला फ्राई किया है। अब मैं टमाटर डाल दूंगी। अब हम हीट थोड़ा मीडियम कर देंगे, सिम कर देंगे, स्लो कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। फ्राई होने का एक अलग सुगंध आने लगेगा आपको, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सिम पे फ्राई करना है, फिर आप थोड़ा मीडियम हीट पे करके थोड़ी देर इसको ऐसे चलाइए। देखिए इस तरीके से, नमक स्वाद के अनुसार, फिर चला ये हमने डाला दही। फिर दही के साथ भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, यानी कि तुरंत निकाल देना है, नहीं हमें फ्राई करना है।
का आंच स्लो कर देंगे, सिम कर देंगे, एकदम स्लो कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम चावल पलट देंगे। चावल पलट दिया है क्योंकि अभी हमारा दम करना बचा हुआ है, इसलिए इस तरीके से। और ये देखिए मैंने अंडा डाल दिया है, जिसको मैंने फ्राई नहीं किया है ना, मसाला में डाला है। इस तरीके से कवर कर देंगे हम अच्छी तरीके से, और ये पैक 2 से 4 मिनट के लिए बस। ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे खाली करके दिखाएंगे कि कैसा रंग आया है। ये देखिए हमारा एकदम बिरयानी बनके तैयार हो गया है। ये 2 अंडा बॉयल करके जो मैंने रखा था, मैंने बस लास्ट में मिलाया, और ये 2 अंडा मैंने फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से, ये है हमारा एकदम बिरयानी का लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।